हम प्रीति के घर गए थे तो सब लोग मेरे को ऐसे कमेंट कर रहे थे कि तू घर पे ऐसे कुर्ता वगैरह पहन के रखती है और जब प्रीति के घर जाती है तो वो टी शर्ट पहन लेती है। ऐसा नहीं है मम्मी, कैसा है? ऐसा नहीं है, जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे पहन लेती है, आपको क्या दिक्कत? नहीं, आप लोगों की क्या दिक्कत है? आप कुछ भी पहनते हो, हम थोड़ी आपको कमेंट करते हैं। तो उनका थोड़ी यूट्यूब चैनल है, अब कहाँ उनका चैनल तो नहीं है। जैसे हमें अच्छा लगता है वैसे हम पहनते हैं। वैसे पहनेंगे। एक्चुअली प्रीति के घर में हम नॉर्मल मिलने के लिए गए थे, तो ऐसे कोई फंक्शन नहीं था, तो ऐसे ही चले जाते हैं हम घूमने फिर और प्रीति को मिलाते हैं। तो आप लोग प्लीज ऐसे कमेंट्स मत किया कर कीजिए, क्योंकि ऐसे बंदे का मन होता है ना कि मुझे आज ये डालना है, मुझे आज वो डालना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक चटपटी सी रेसिपी लेके, और साथ ही हम बात करेंगे प्रियंका जी की। तो प्रियंका जी जब प्रीति के घर गई थी तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए उनकी वीडियो के नीचे कि आपने जीन्स क्यों पहनी, या प्रीति के घर जब जाती हो तो जीन्स क्यों पहनते हो, नॉर्मली तो आप घर में या बाहर जाती हो तो सूट पहनते हो। कुछ लोगों ने बोला कि प्रीति गांव में रहती है, फैमिली में रहती है, तो आपको जीन्स नहीं पहन के जानी चाहिए थी। लेकिन आजकल गांव में बहुएं हैं या बेटियां हैं, वो ज़्यादातर, मतलब कुछ गांव में नहीं है लेकिन ज़्यादातर जीन्स वगैरह पहन रही हैं, तो आप लोगों को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस बात में। अगर वो सूट पहन के गई है या जीन्स पहन के गई है, कुछ भी पहन के गई है, उसकी लाइफ है, उनकी मर्जी है ना, वो जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो पहन के चले गए हैं। और उसने बोला भी कि हम लोग नॉर्मली ऐसे ही चले गए थे, कोई मतलब प्लान नहीं था हमारा जाने का, तो अचानक से चले गए थे, तो क्या हो गया उसने जीन्स पहन ली है ना। मम्मी ने भी बोला कि हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो सही लगता है, हम लोग पहन लेते हैं, तो क्या हो गया अगर उन्होंने पहन लिया तो? इसमें इतना बड़ा इशू क्रिएट करने वाली तो बात ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आज की मेरी वीडियो इतनी ही।